हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। वेल फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अजय देवगन, प्रकुल प्रीत सिंह और ताबू की फिल्म दे दे प्यार दे के डे 9 के ऑडियंस ऑक्यूपेंसी और बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में इन द कंट्री ऑफ इंडिया। वेल फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूं कि दे दे प्यार दे अपने दूसरे हफ्ते में यानी अपने सेकेंड सैटरडे में डायरेक्ट टक्कर हिंदी फिल्मों से तो ले ही नहीं रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की बायोपिक और अपना जो इंडिया मोस्ट वॉन्टेड फिल्म है उन दोनों से कई गुना ज्यादा मुझे लगता है कल जो दोनों फिल्मों का कलेक्शन होगा वो दे दे प्यार दे का सिंगल का कलेक्शन होगा। कल देखते हैं क्या ये सच होता है या नहीं, लेकिन इन दोनों से इसकी टक्कर है नहीं। सीधे सीधे टक्कर ले रहा है हॉलीवुड की फिल्म अलादीन से, जो कि जबरदस्त चल रही है। अगर आपने अलादीन का रिव्यू नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन में दिया है, जाके देख सकते हो उसका रिव्यू। चलिए गाइस, आज के एपिसोड में हम बात करते हैं दे दे प्यार दे के ऑडियंस ऑक्यूपेंसी और उसके डे 9 यानी कि सेकंड सैटरडे के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में। वेल फ्रेंड्स, बात करें इसकी ऑडियंस ऑक्यूपेंसी की तो गाइस, आज का जो दिन शुरू हुआ था वो काफी जबरदस्त तरीके से शुरू हुआ था। यूजुअली जो सैटरडे के दिन रहते हैं वहाँ पे ऑडियंस ऑक्यूपेंसी का जो जंप है वो सुबह का यानी कि जो मॉर्निंग का शोज है वहीं से देखना मिल जाता है हमको। और गाइस, सबसे ज्यादा जो ऑक्यूपेंसी इसकी थी गाइस वो थी नन अदर देन हैदराबाद में। कैन यू बिलीव इट, हैदराबाद हैड एन टोटल ऑल डे ऑक्यूपेंसी ऑफ 70%। यस मेरा भाई, 70% की ऑक्यूपेंसी थी हैदराबाद में। यानी कलेक्शंस जबरदस्त आएंगे इस फिल्म के। बात करें सबसे कम कलेक्शंस की तो गाइस कोलकाता, आई डोंट नो व्हाई इज अंडर परफॉर्मिंग इन दिस मूवी। आज सिर्फ कोलकाता में 30% के कलेक्शंस थे, लेकिन गाइस अभी दूसरे हफ्ते में 30% के कलेक्शंस भी बहुत बड़ी बात होती है। बात करें ऑक्यूपेंसी, जो सुबह के शोज की ऑक्यूपेंसी थी 17-20%, जो कल से बहुत ज्यादा थी। बात करें आफ्टरनून की तो गाइस आफ्टरनून में ऑलमोस्ट 40-45% की ऑक्यूपेंसी थी, और इसके इवनिंग के शोज अभी फिलहाल 50-55 की ऑक्यूपेंसी लेके चल रहे हैं, और रात के शोज जो गाइस अभी फिलहाल 8 बजे तक है वो 70% की ऑडियंस ऑक्यूपेंसी लेकर चल रहे हैं। और इसी का कारण है कि यू नो जो फ्राइडे का कलेक्शन था यानी कि डे 8 का कलेक्शन जो 3.58 करोड़ आया था, कल गाइस मेरा जो प्रेडिक्शन है इस फिल्म का वो है 5.5-6 करोड़। यस मेरा भाई, मुझे पता है जितने अजय देवगन के फैंस है उनके चेहरे पर ये सुन के एक मुस्कुराहट आएगी, लेकिन गाइस ऑनेस्टली स्पीकिंग कल ये फिल्म 5.5-6 करोड़ ही कमाएगी। अब अगर ये 6 करोड़ के ऊपर चली जाती है तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ ये 6 करोड़ के ऊपर जाए, संडे जो मैं कह रहा हूँ ये फिल्म विल चेज अ डबल डिजिट मार्क। लेट्स सी, अब जाती है नहीं तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल गाइज डे 9 प्रेडिक्शन दे दे प्यार दे 5.5-6 करोड़ रुपए। ओके गाइज, एपिसोड पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सिमियामरन साई साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन। अगर आपने अलादीन का रिव्यू नहीं देखा है तो यहाँ पे लिंक है, देखिए, बहुत जबरदस्त फिल्म है, रिव्यू देखिए, फिल्म देखकर आइए।